नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं सीधा नौगछिया NH31 से लाइव। ये जो आज है, देखिए वो मोटरसाइकिल राजेंद्र बाबू, वो राजेंद्र बाबू देखिए वो मोटरसाइकिल ठोक दिया ट्रक है, वो देखिए सामने बाइक एक्सीडेंट कर गया है। देखिए लाइव स्टार्ट हुआ, जिसका गिरा है वो खड़ा है, मतलब ज्यादा स्पीड में होगा। चलिए कोई बात नहीं है, इंजर्ड नहीं हुआ आज। उठले वो बना नहीं लिया, ले रहा लाइव लिया लेकिन व्यूज नहीं दिखा रहा। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं सीधा नौगछिया NH31 से लाइव। और हम हैं लोकेशन पर, ये वही लोकेशन है जहां आज धसान हुआ है, वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह प्रशासन ने बैरिकेटिंग कर दिया है NH31 पर और वन वे करके परिचालन कर दिया है। आप लोग वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी लोग देख लें और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। ये NH31 है, ये पूर्णिया की तरफ है। अभी आप जिधर देख रहे हैं ना, ये पूर्णिया का लोकेशन आपको दिख रहा है, जो पूर्णिया की तरफ यानी आगे मुरली मदरौनी रंगराहा कुरसेला और आगे येड़ाबाड़ी पूर्णिया की तरफ। और मैं इधर जो टर्न हो रहा हूँ, ये देखिए ये भागलपुर नौगछिया, इसके बाद भागलपुर जो है ये जाती है, ये NH31 मुरली चौक और भवानीपुर चौक के समीप है। वन वे कर दिया गया है और वन वे से निकाला जा रहा है। ये जो डेंजर जोन जहाँ पर है उसको प्रशासन द्वारा इसकी बैरिकेटिंग की गई है, ये लगाकर। आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर और ये लाइव चल रहा है, कोई ये फुटेज और ये नहीं है, रिकॉर्डेड ऑन टाइम। और एक तरफ से हम प्रयास करेंगे कि आपको दिखाते चलें। वाह, लोगो है आपका, लोगो है वन वे कर निकाला जा रहा है। ये ऑन, ये देखिए एक तरफ से, अब इधर से रोका गया है और तो दूसरे साइड से गाड़ी आ रही है। और बिल्कुल मैं लाइव दिखा रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाल NH31 नौगछिया के समीप मुरली और भवानीपुर चौक के समीप का है, जहाँ धसान होने के बाद ऐसी स्थिति है। चलिए हम धसान देख लेते हैं, इसके बाद ये हम दिखाते रहेंगे वन वे। नौगछिया थाने के पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, पहले धसान देख लेते हैं उसके बाद ये लाइव प्रोग्राम। कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ हैं, प्रशासन के लोग भी यहाँ उपस्थित थे। अभी वन वे कर गाड़ी निकाला जा रहा है, लेकिन जब ये पहाड़ का पानी हट जाएगा, छबे कर रहा है। अरे वाह, चले रहा हूँ, तो बहुत भयानक स्थिति में इसको रोक तो दिया गया है। अरे साला, ये पहले का कुछ है लगता है, हमरा है। हाँ, तब हमरा है, तब ना भसक गया। पानी है सामने, सबका बालू फूल। नहीं, चलिए खतरे। देखिए ये ऊपर NH31 ट्रक जा रही है, ये नीचे देखिए उसके नीचे का यह खोखला। सर ये अंदर में कुछ डाल रहे हैं क्या, बोरी डालेंगे क्या इसके अंदर भी?
है तो खड़े, लेकिन है ही खतरे कहीं ना कहीं। ये तो गिर जाएगा, इसको लाइनिंग करवा दीजिए सर, आदमी सब खड़ा रहता है। इसको चौक लगवाइए, इसको वाइट से, ये जो दिख रहा है इसी के अंदर का, ये देखिए खोखला, अंदर अंधेरा है लेकिन आपको दिख रहा होगा। मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा लाइट उठ जला कर। रोड बनाया इंजीनियर ने, कमरा नहीं दिया, पुल नहीं दिया, ये लोग पांच को छह को बर्बाद दिया, उधर कोई फायदा इससे बनवा के छोड़ दिया इसे। अभी अभी आपको भरना पड़ रहा है। हाँ, अभी भरना पड़ रहा है। अभी आपको भरना पड़ रहा है, क्यों बेकार बना है? बेकार बना है, यहाँ पर बना हुआ था, इसका उपयोगिता था, देखिए। ये बताया जा रहा है कि पहले यहाँ भमरा बना हुआ था, इसी कारण इतना बड़ा है। लेकिन देखिए ऊपर से भी ईंट टूट टूट के गिर रहा है। ये ऊपर जो एनएच है, ये कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर है अभी भी, देख लीजिए सर। आइए अब लेते हैं। क्या हुआ राजेंद्र जी, लाइव हैं लोग, पूरी दुनिया आपको देख रही है। अभी जाता हूँ सर। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए आप। बोलिए, पूरी दुनिया देख रही है क्या? इधर थोड़ा आ जाइए, क्योंकि नीचे पूरा खोखला है और खतरा बना हुआ है। ये एनएच 31 जो अभी नौगछिया मुरली के पास है, क्या है मतलब ये सर? अचानक धसान हो गया और ये अभी भी इसे पूरी तरह मजबूत नहीं कहा जा सकता, ये अभी भी नाजुक स्थिति में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, यहाँ पहले भमरा था, चूंकि ये जो एनएच है इससे दक्षिण तरफ गंगा का बाढ़ आता है और उत्तर तरफ जो है आपको सीपेज वाटर फुल हो जाता है। यहाँ पर भमरा दिया गया था ताकि गंगा का पानी जैसे घटने लगेगा तो इधर का जो पानी है वो इस होकर के निकलने लगेगा, लेकिन हाल के समय में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन लीकेज उसमें कुछ रह गया था तो उसी के चलते ये बहते बहते बह गया। बहते बहते बह गया और पूरा जो है कि खतरा हो गया। यहाँ पर इसका निदान है सर, तत्काल तो इसको डिमोलिश करके इसमें ईटा बोल्डर गिट्टी वगैरह जो भी देना हो दे करके इसको चालू रखा जाए। जैसे ही पानी घटता है यहाँ पर फाटक युक्त भमरा देना पड़ेगा, ताकि इधर से बाढ़ का पानी आता है तो बंद कर दिया जाएगा, और जब वो बाढ़ का पानी घट जाएगा सर तब जो है कि इधर का सीपेज वाटर जो है निकालने के लिए उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जब रेणु देवी जी एमपी थी खगड़िया से, हम लोग खगड़िया में पढ़ते थे उस समय अनावश्यक रूप से 7-8 जगह एनएच में पुलिया बना दिया गया, जो कि आप खड़ी में भी देखते होंगे, बगड़ी में देखते होंगे, नौकछिया में देखते, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, जिसको आज बाढ़ के समय बंद करना पड़ता है प्रशासन को। इसलिए कुछ लोग जो है अनावश्यक इंजीनियर बन करके अपने फायदे के लिए काम कर देते हैं, जनता को मुसीबत भोगना पड़ता है। यहाँ पर भी फाटक युक्त भमरा इसमें देना होगा, तभी इसका जो है कि दोनों तरफ के समस्या। अभी जो इतनी बड़ी समस्या है एनएच पर, अभी लोग देख रहे हैं लाइव में, वन वे कर दिया गया है, मजिया 10 फीट का बचा हुआ, इधर 20 फीट का जगह जो है इसको रेड लाइन कर दिया गया है। ये तो काफी बड़ी समस्या है लोगों के साथ, इतना बड़ा हाईवे है, इसे रोकना इतना नहीं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने सामान है इसमें, कच्चे माल हैं, आवाजाही है, एम्बुलेंस है, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां दौड़ती है एनएच 31 पर। जी कहना बिल्कुल सही है। अभी हमारे एसपी साहब नौगछिया सुशांत बाबू आए थे, उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन हमारे इंजीनियर जो एनएच के हैं लक्ष्मी वर्मा जी सीनियर 4131 का खगड़िया पूर्णिया का पदाधिकारी, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इसको डिमोलिश करके हम लोग चलने लायक बना देंगे ताकि कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे बार कब तक ये देखते, काम तो चल ही रहा है थोड़ा सा, इंजीनियर साहब वर्मा साहब हैं, उनसे भी लेंगे, लोग तो, पूरी दुनिया भी देख रही है, बिल्कुल लाइव। ऐसा कहा गया है कि 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर हम इस रोड को कम्प्लीट करके चलने लायक बना देंगे, ऐसा तो हमारे एनएच के पदाधिकारी लोगों ने अभी कहा है। चलिए अभी और देखते हैं राजेंद्र बाबू जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। लोगों ने क्या लिखी,
अपनों गाड़ी कल लोगों निकाले भाई खाली बस। चलिए उनसे भी पूछेंगे, लेकिन देखिए तत्कालिक जो है इस बहुत बड़ा समस्या आज की, ये अंदर पूरा धुधड़ पूरा इसके नहीं पहला निकल गया। कौन है सर? हैं आइए सर, आप हैं यहाँ फूल निगम से? आप हैं सर? नहीं है कोई। कौन है यहाँ? विभाग के ही है ना सर? कब तक ठीक हो जाएगा सर? सर आप हैं, कब तक ठीक हो जाएगा वर्मा जी? अभी एक डेढ़ घंटे में। एक डेढ़ घंटे, पूरी दुनिया देख रही है और लोगों को काफी डर लग गया है कि NH 31 पर ट्रेल आ रहा है आधे घंटे में। हाँ अभी खुदाई करके इसको फिलिंग करके। अच्छा तो क्या मतलब इसको सड़क को तोड़कर उसको भरा जाएगा कि अंदर ही मटेरियल? हाँ तोड़ के उसमें फिलिंग करेंगे। अच्छा ट्रैफिक चालू, फिलहाल तो यही है फिलहाल। अच्छा आप लोग तो चूंकि आप लोगों को अनुभव काफी ज्यादा है, तो क्या लगता है कि ये फिलअप के बाद भी ये खतरा बना हुआ रहेगा कि नहीं, तत्कालिक लोगों को निजात मिल जाएगा क्योंकि पानी तो बढ़ रहा है, पानी तो घटा नहीं है लगातार? निजात मिल रहा है उसका परमानेंट। एनएच को रोकने की कोई जो है संभव? एनएच को रोकने का यही मतलब वन वे करके ही गाड़ी निकाल रहे हैं। दिखा दें लाइव हाले NH 31 नवगछिया। देखिए हुआ यूं कि अब मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं, हुआ क्या क्या है और क्या होने वाला है। ये जो आपको दिख रहा है, मैं अभी मेरा सामने जो फेस है वो भवानीपुर है, भवानीपुर चौक मुरली मदरौनी और पूर्णिया की ओर, और ये इधर जो गाड़ियां जा रही है ये है नौगछिया NH 31 मकनपुर चौक से आगे जाने वाली, आगे जाने वाला सड़क मतलब उधर की तरफ जाएगा। ये यूं बीच में एक पहले का बना हुआ भंवरा है जिसको कि बंद करके रखा जाता है, अचानक उसमें रिसाव शुरू हुआ पानी का जैसे दबाव। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये गंगा का पानी है और रंगरा की तरफ से जब पानी का दबाव बढ़ा, रंगरा से आगे बढ़ा मदरौनी मुरली भवानीपुर होते हुए अभी धरारा गांव में भी पानी भर रहा है, तो ये पानी का दबाव जो है इस भमरे पर पड़ा और इससे जो है लीकेज शुरू हुआ, अचानक धसान शुरू हुआ, एक भयानक स्थिति में हुआ। अभी पता चल रहा है कि उसके अंदर भी भयानक आई सर। सर सर बीच NH का सवाल है, पूरी दुनिया देख रही है सर, बहुत लोग डर गए जब उनको पता चला कि NH पर धसान है। सही है, NH के लिए बहुत चालू NH है और दिक्कत तो हो ही रही है, विभाग से अनुरोध है कि जल्दी से ठीक करें इसको। सर नौगछिया और क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत स्वास्थ्य का होता है। अभी मैंने अभी आधे घंटे में लाइव में देखा कि कम से कम 4 से 5 एम्बुलेंस निकले। अगर कुछ सड़क को होता है या आवागमन बंद किया जाता है तो सबसे बड़ा दिक्कत तो एम्बुलेंस और स्वास्थ्य वालों को ही होगा। बात तो सही है, बहुत चालू है, बहुत बिजी है जी, कुछ भी ऐसा होगा तो दिक्कत तो होगी। लोगों को बहुत डर है इस चीज का, लोग काफी डर भी रहे हैं कि जो है बढ़ता ही जा रहा है। हाँ ये बाद एक बांध टूटता होगा, नहीं क्या होता है सरकार दोनों को जिसमें काम किया जा रहा है, जल्दी काम होगा इसमें। धन्यवाद, थैंक यू। ये जो नेशनल हाईवे है ये हम लोगों का लाइफ लाइन माना जाता है, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य को, ये एकमात्र ऐसी हाईवे है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। इसको ध्वस्त हो जाने से यातायात साधन पूरा पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बिल्कुल, और जो भी आयात निर्यात होते हैं एक राज्य दूसरे राज्य, खाद्यान्न या जो भी चीज़ हो, जरूरत की चीज़ इंसान को, वो सारी चीज़ों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। और ये जो पानी है ये भवानीपुर होते हुए
नौगछिया बिजली ऑफिस वगैरह सब कुछ चौपट करके रख देगा। अभी एक एक जो सबसे बड़ी जो एक बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को कि पानी का रुख बदलते जा रहा है। इस बार पहले बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, विशेषज्ञों को भी कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले जो है पश्चिम से पूरब की ओर गंगा जाती थी, इस बार पश्चिम से ही पूरब की ओर आ रही है, मतलब पूरब से ही पश्चिम की ओर आ रही है। यानी हमेशा रंगरा की तरफ पानी जाता था, इस बार रंगरा की तरफ से ही पानी आ रहा है। एक कहावत है, बहुत पुराना कहावत है कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकला है, निकलने वाला जो बुरे पुराने बोले बोला करते हैं हमेशा कि सूरज पूरब से नहीं या पश्चिम से निकला है। हाँ। और चंबित करने वाली बात है, ये कलयुग है, कुछ भी संभव है अभी के समय में। और जो ये उल्टा पानी हम लोगों के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, ये बहुत ही आफत बड़ी चीज़ है ये। और ये प्रवेश तो कर रही है लेकिन निकलने का कोई साधन नहीं बचाएगा, जिससे कि ये जल जो है, ये पानी जो है, बहुत दिनों तक हम लोगों को या यहाँ पे जितने भी क्षेत्र की जनता है सबको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से, खास करके जो वरीय पदाधिकारी हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं उनके तक मैसेज गया है, क्योंकि ये NH बहुत बड़ा लाइफ लाइन जगह है और हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में हैं, एकदम बिल्कुल लाइव में लोग देख रहे हैं। हम लोगों का एक ही मांग रहेगा कि इन्हें जल्द से जल्द, चाहे जो भी प्रयास हो, इस हाईवे को ध्वस्त होने से बचाने का पुरजोर प्रयास करें और इस लाइफ लाइन को जीता जागता बना के रखें। क्या बात है, थैंक यू। देखिए गाड़ी आ चुकी है, बोलिए सर, बोलिए, लाइव में है सर, लोग बिल्कुल देख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और अभी वन वे है। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा काम आपको, आप तो काम भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है संतोषजनक वर्क हो रहा है इसको NH को बचाने के लिए? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि संतोषजनक वर्क हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पानी का जो है ना बहाव ज़्यादा तेज हो रहा है और बाकी बार ज़्यादा पानी बढ़ ही रहा है, तो उसके अनुसार जो है ये सही से काम हो भी नहीं पा रहा है। बाकी बात हम जहाँ तक देख रहे हैं कि पानी बढ़ रहा है और बाकी बार पानी जो पास हो रहा है, और ये आप जान रहे हैं कि NH 31 है और इस बार भी ग्रामीण लोग जो है ना बसे हुए हैं और वो सबको डर का माहौल पैदा हो गया है। और यहाँ आप जान रहे हैं कि यहाँ जो है जितनी भी मतलब आबादी रहते हैं वो सब गरीबी रेखा के अंदर है, बाकी बात सब रोड पे आ गया है। खास करके इसका जिम्मेदार सरकार को भी ठहराया जाए कि इतना दिन से मतलब जब हर एक साल बाढ़ आती है तो इसकी जो तंदुरुस्त यहाँ को नहीं किया गया। बाकी बात फिर आगे हम क्या बोले हम आपको देख ही रहे हैं। थैंक यू। तो चलिए, एक गाड़ी आ चुकी है और देखिए किस तरह से NHAI द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, बोरी गिराया जा रहा है। देखला लेबर उतारे में लगी है 1 घंटा, आधा घंटा हो गए, सिर्फ लाइव में है सर। किस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाई कि NH पर आवागमन को रोका गया, वन वे किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। पानी जो बह रहा था उसी के तरह रोक करके वन वे किया गया। नहीं तो इसमें कहा जाता है अगर प्रशासन भी सही समय पर, स्थानीय लोग अलर्ट नहीं होते तो कखनी बोला रही पानी यार, लोग सब खूब हल्ला कर लेके तब सब जान ले हल्ला स्थाई लोग से हल्ला कर दे। हाँ, नहीं बिल्कुल बिना हल्ला करने तो बिना नहीं होगी ना, केना पता चल लेगी यहाँ पानी धस हो रहा है। हमरा छे ते आवागमन लोग के भुट्टा मकई छे ते लोग छकै रहै ने एकदा छकलकै ते देखलकै लोग नै से छै तब हल्ला करके ढेर लोग जुटले तब सब जान ले प्रशासन चारों तरफ एक को जावे व्यवस्था तो यहाँ से इमरजेंसी चाहे कोई चीज रहती अंकृत NH लोग का जान आन सुविधा के लिए, यो अगर चलो जो तो बड़ा लोग का समस्या होती है।
अब उन्हें भी पानी जेते तो उन्होंने भवानियों पुरंग ने लगा दिया समस्या आते भवानीपुर के पूरा समस्या चलिए ना चलो जो ना यहाँ करो लोग सही समय पर भी बोल रहे अच्छा बात करके कैसा रह गए हटी जाए हटी जाए दस और लो हटी जाए। देखिए अब मैं ज्यादा नहीं बस एक लास्ट में आपको ऑन स्पॉट बता देता हूँ। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये अंदर से भमरा होने के कारण खोखला है। प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है NHAI द्वारा किसको तोड़कर इसमें मटेरियल डाला जाएगा। ऐसे भी बिना तोड़े इसमें मटेरियल डाला जाएगा तो फिर भी ये प्रॉब्लम करेगा। यहाँ जहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ आप मुझे उंगली देख रहे हैं समझ जी तार के पास खड़े होइएगा एक मिनट इतना वजन ले लेगा। देखिए यहाँ जहाँ समर जी हमारे खड़े हैं रंगरा के हमारे संवाददाता हैं ये यहाँ यहाँ तक पूरा जो है अंदर से खोखला है। मैंने शुरू में ही आपको दिखाया मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा। और ये भमरा होने के कारण अंदर जो है वो खोखला है और इसके बाद जो है वहाँ बोरी डाला जा रहा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है फिर से मंगाया गया है। देखिए एक गाड़ी और आ चुकी है मटेरियल्स की गाड़ी है। इसमें दो चीजों का योगदान रहा सही समय पर यहाँ जिस बैक कीजिए इसमें मटेरियल आ गया है। देखिए सही समय पर दोनों अलर्ट हो गया इधर से मत जाइए। देखिए भरे जरूरत आप ही का है लेकिन यहाँ बीच में खोखला होना डर खतरनाक है। तुमको है ना घुमा के बैक को पीछे इसमें दो मिनट खाली लाग ले छे सब कुछ तो अगर आप मटेरियल का जब तक तोड़ी नहीं डालते ना तब तक वो काम नहीं करते। बहुत जबरदस्त खोखला आइए समझ रहिए रहिए आराम गंगा जी उधर वन वे NH31 नौगछिया के मुरली के समीप और हम बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं आपको कोई कट एडिटिंग का कोई नहीं। बस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। ये नौगछिया का मुरली और भवानीपुर है दिखे आगे बताइए ये अचानक जो है NH31 पर ऐसा ये भमरा बताया जा रहा है और हमने लाइव में भी लोग जुड़े हुए हैं तो क्या प्रशासनिक स्तर से कार्य चल रहा है संदीप जी? यहाँ तक मतलब जैसी जानकारी है कि NH पे जो है कि NH के अंदर से पानी जो है क्रॉस कर रहा है। प्रशासन जो अपना जो है मतलब जल्दी से प्रक्रिया जो है स्टार्ट करके जो है उसको रोकने के लिए प्रशासन उस समय से लगी हुई है और यथासंभव जो है जो पानी का रिसाव हो रहा है यथासंभव उसको बंद किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी जो आवागमन जो बाधित है उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है चलाया जाएगा। थैंक यू धन्यवाद। देखिए मैं इसमें दो बहुत बड़ी बहादुरी है ये जो सामने आपको हाईवा दिख रहा है गाड़ी इस गाड़ी में वो मटेरियल्स है जो अभी इसके अंदर डाला जाएगा। NHAI द्वारा अभी कार्य करवाया जा रहा है तुरंत हाईवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिनको इंजीनियर को मिला है वो तुरंत एक्टिव हो गए और इसका ही प्रभाव देखने को मिला कि महज कुछ घंटे में ही जो है ये आप देख रहे हैं कि एकदम तूफानी कार्य हुआ। Do not enter. हाले नौगछिया NH31 भवानीपुर मुरली चौक के समीप वन वे है NH क्योंकि बीच में ही एक है भमरा और लोगों को पता भी नहीं था जब वो ये भुट्टा तोड़ने वाले लोगों ने देखा कि रिसाव हो गया तो शोरगुल किया और लोग भी जमा हुए। अभी वन वे कर गाड़ी को गुजारा जा रहा है। ये देखिए इसमें मटेरियल है जो मैंने आपको गाड़ी दिखाया था
निकाल लीजिए समझ जी। तो फिर जो है वही हुआ कि बीच में जो धसान के आइए नेट लगाया जा रहा है उसको भी दिखाते हैं आपको। नेट लगाया जा रहा है और लाइव चल रहा है, कोई वीडियो फुटेज का आपको इंतजार नहीं करना है, सीधा लाइव देखिए। आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। नौगछिया टाउन और रंगरा पुलिस भी एकदम मौके पर है और चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। अब तो बोरी भी अंदर जा रहा है धीरे धीरे। ईटा गिरी रहा है ऊपर से, आधा तो देखै छै ऊपर से जड़ी रहल छै रोड जे छै ने ओ बिछै से उन्ने भमरा हां जे भमरा इन्ने भमरा नै इन्ने भमरा थरे इन्ने ओ नै सब घुसि गेल लाख ऊपर एन एच गिर न नै छै और खड़ा पड़ा छै थोड़ी गुस्सा है धोन लाइक हो जाना क्या हुआ गाड़ी क्या भागा है क्या क्या हुआ शीशा कुछ करके तभी पीछा कोई किया। अच्छा अच्छा गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो भाई जाम नहीं हो जाम हो जाएगा। अभी दूसरा मामला है हटो गाड़ी पकड़ना है तो अलग करेगा गाड़ी निकाल यार जाम लग जाएगा कार को साइड कर आ जाएगा। क्या हुआ कुछ हुआ है क्या हुआ मामला? हाँ हाँ मोटरसाइकिल से लोगों ने आके ओवरटेक किया और इस साला चूर है। पहले गाड़ी साइड करवाइए जाम लग जाएगा। गाड़ी में मोटरसाइकिल वाले दोनों मर गया है यही अभी हे देखिए चूर है अरे भाग कैसे गया कहीं हुआ होगा इसको पहले साइड करवाइए साइड गाड़ी निकलवाइए। और साक्षी धन का टाक पास देखिए गाड़ी चूर है ठोक के भागा है दिखा रहे थे कवरेज आपको एनएच का। ए गाड़ी हटाइए हटाओ जाम लगी इससे दंदिर भी हटाइए सबको। ए सर हटिए जाम लग जाएगा एनएच को पहले वन वे है और सब है मिली गारू अरे तो चूर छ तब भागी गेले देखो अबे वो थोड़े भागा पड़ता है भाग ले सीधा निकल यार तुम ही जाम लगाएगा यार नहीं जाम का जाम निकलिए निकलिए बाया लेकर वन वे है। चलिए अब काम कार वाला भी न्यूज आप लोग देख लीजिए कवरेज में है भाई ले वहाँ फोन भैया देखिए एक गाड़ी को ओवरटेक करके लोग PR11U1001
चूर है पूरा शीशा सब। जाना मत पूरा कीचड़ लगा हुआ है कार में। बताइए बताइए कैसे जो है ये, क्या गाड़ी रुका हुआ था, लोग देख रहे हैं क्या हुआ ये गाड़ी? तो वहाँ दो एक लड़की थी, एक बाइक वाला था, धक्का मार के भाग रहा था, ग्रामीण ने इसको रपेट के पकड़ा है, फिर यहाँ से घुरा के कोशिश कर रहा था भागने के लिए, तब पर भी आके ये नहीं रहता तो ये भाग जाता। करो विजय सिंह कॉलेज में जैसे बेटी जमान का धक्का लग रहा था। हाँ थाने जा रहे की गोपालपुर धक्का लग लेगा चूर। अच्छा ये एनएच पहले चालू रहा तो एनएच का नहीं रोको की पानी घुसी गलो मकनपुर में। हाँ इन्ने सब इन्ने मनीष भी आ सबके इन्ने पानी छे मनीष भी आ सबके ना। हाँ अभी तक लियो बाबा सब। हाँ ये पानी दबर करता ये तो चौक पहुँची गई मकनपुर चौक पहुँची नहीं गला चौक पहुँची गई था परस अलग विभाग के लापरवाही के कारण नौगछिया में जन परेशानी उत्पन्न हो रहा। विधायक जी वीडियो पर आरोप लगाए कि उनके कारण हुआ नहीं ये सर, आखिर इसको हमने मानते हैं वीडियो को जो है ना, ये फलट विभाग का लापरवाही है। फलट विभाग को जो है ना ये लोग दुधारू गाय समझ के जो है ना समय समय पे तू रहा एकदम समय से अगर इन सब चीज़ को देखा जाए जो है कहीं कोई परेशानी नहीं है किसी को। चलिए अब कार का मामला हम बाद में न्यूज में बताएंगे आपको क्या हुआ था नहीं हुआ था। अभी जो मामला है वो आपके सामने है कि नौगछिया एनएच 31 का यह दृश्य आपके समक्ष है, जितने लोग लाइव में जुड़े हुए देख रहे हैं। पीछे में आपको दिख रहा होगा वो हाईवा गाड़ी दिख रहा होगा जिस पर कि रॉ मटेरियल जो है वो रेडी है और उसे बैक करके पीछे कर कर लाया जाएगा और यहाँ डाला जाएगा। और इसके अलावा जो है प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि बिना प्रशासन के लोगों से ये संभव नहीं हो सकता, लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ती है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जैसे सटा मोहन पहुंच गए। चलिए तो अगला एक स्टेप बोरी वाला। हाँ तो असल में, लेकिन असल में मेहनत इसी लोगों का है। लेबर है क्या? लेबर है तो सब ये गुने उठे पूरा नौ में रखे हुए टाउन में क्षेत्र का आपके सर्किल टेम्पू छोड़ का भी गए मखनपुर भी खत्म मनिहन ले जेब ओकरा लोग के तैयार कल के नहीं नहीं लो जो बरसा कल के मखनपुर के लोग नहीं मान लगे निकल के बरसा पानी अंदर कौन है नहीं नहीं जावा दो जरूरी क्यों हुआ दो तब गंगा में तो नहीं पड़ा बस चल रहा है। यह आज के चलिए तो भैया यहाँ खड़े हैं ठीक है, लेकिन ये भी नीचे से गिर रहा है, ये भी खतरे में, ये भी खतरा में ही है। ये जाना जरूरी है, ये ट्रक जाइएगा जरूरी है। अगर एक को गाड़ी क्रॉस किया इसको कहानी खत्म। नहीं एक चीज है यहाँ के लोगों को दीजिए कि सही समय पर जो है ना शोरगुल करके
क्या हुआ सर, उधर पानी आ गया मकनपुर की तरफ क्या? ना उधर तो नहीं, इधर से जा रहा है धीरे धीरे। जा रहा है ना, वहाँ का आदमी कहता है कि नहीं बाढ़ का नहीं बरसा का पानी है। बरसा का पानी नहीं, उधर मकनपुर में जो फैल है बरसा का पानी है। नहीं फैल जो रहा है पानी, ये जो आपका रिंग वहाँ टूटा ना, इसी की वजह से ऐसा हुआ। तो बच गया, ये अंदर से देखिएगा पूरा खोखला है जहाँ खड़े हैं ना आप। नहीं हाँ ये बात सही है, इस पर अभी हाईवा चढ़ जाएगा ना तो कहानी खत्म है। समझिए कि यहाँ का गाँव में लोग बताए आपको आए थे जिसे जो सबको सूचित तुरंत वीडियो वायरल हुआ। और रात में होता ना, कहा रात में होता तो दिक्कत। चलिए कंट्रोल कर दिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी डीएम साहब भी लगे रहते। हेलो बोलिए, हाँ बोलिए, चीनी के लिए सर बोलिए। हट जाए, उधर से जा रहा है, अंदर से छोड़ेगा ये वाला, कटिंग मटेरियल निकलेगा।